नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इन दिनों देश भर में दुर्गा पूजा की धूम मची है। लखनऊ में भी दुर्गा पूजा पंडाल सज गए हैं। मां दुर्गा की मनभावन प्रतिमाएं स्थापित करने के साथ ही हर पंडाल को एक अलग थीम दी गई है। ऐसे में लखनऊ की सबसे पुरानी दुर्गा पूजा के पंडाल की भी थीम पश्चिम बंगाल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर रेप मर्डर केस के मद्देनजर इंसाफ की मांग को रखा गया है। ये दुर्गा पूजा इसलिए भी खास है क्योंकि इसका रिश्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से रहा है। आपको बता दें कि इस साल यानी 2024 में इसके 110 साल पूरे हो चुके हैं। यहाँ हजारों की संख्या में भक्त जुटते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मेरा नाम कनक मिश्रा है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी प्यारी दुर्गा माँ की मूर्ति है। मैं आपको बता दूं, ये स्थित है हुसैनगंज में। अब हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि नवरात्रि के 9 दिन उनके कैसे बीते और क्या कुछ हुआ इस पूजा में और क्या कुछ विधि है माँ दुर्गा की पूजा की। तो आइए बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलकनंदा बनर्जी। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोग पूजा करते हैं यहाँ पर तो उसकी विधि क्या है? विधि यहाँ पे तो ये कि सुबह जैसे पंचमी होता है, फिर पंचमी के बाद बोधन माने यहाँ पे दुर्गा जी का श्रृंगार होता है। सबसे पहले नथ पहनाया जाता है उनको, अस्त्रदान होता है पहले के दिन, और उसके बाद जो है षष्ठी पूजा होता है। हम लोग यहाँ चंडी पाठ होता है, सुबह 4 बजे से होता है। एंड वो सबसे पुराना चंडी पाठ जो है हमारे के लखनऊ शहर में, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, समीर सिन्हा ने स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद और ओपन इसी माने मंडप में ही जो है हम लोग दुर्गा जी के सामने बैठ के षष्ठी के दिन सुबह के दिन एकदम 4:30 बजे शुरू होता है, और उसके बाद जैसे वो खत्म होता है फिर षष्ठी पूजा स्टार्ट होता है। फिर षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी जैसे पूजा होती है, और विधि विधान से यहाँ पे एकदम से हम लोग ट्रेडिशनल जो चीज़ पूजा को मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे हम लोग में बोला जाता है बंगला में एक चाल चित्र। एक चाल चित्र का मतलब आप जो ये देख रहे हैं एक चाल, इसको हम लोग एक चाल चित्र करते हैं। तो इसी में जो है सारी दुर्गा सरस्वती एंड लक्ष्मी जी गणेश जी का एक चित्र में रखा जाता है। एक चित्र में रखा जाता है, ये ट्रेडिशनल पूजा। ये हम लोग का शुरू से 110 साल हो गया हम लोगों का पूजा का, तो हम लोग इसी को मनाते चले आ रहे हैं तब से। क्या नाम है आपका? अंजलि बोस। अच्छा, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कब से आ रही हैं? यहाँ 22 साल हो गए हैं शादी के बाद से बंगाली क्लब में। ये बताइए कि 22 साल में जब आप पहले आना आपने शुरू किया था, तब से लेके आज क्या कुछ चेंजेस आए? लोग कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं? ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। ओवरऑल मैंने देखा लोगों का ज़्यादा ही रुझाव इधर ही बंगाली क्लब में ही रहा है, और शशि भूषण है, विद्यांत है, इन सब में उतना नहीं है जितना लोग यहीं पर आते हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, हमारे सब अपने ही लोग हैं, और बंगाली का एक जो ग्रुप होना चाहिए वो बंगाली क्लब में ही आपको मिलेगा देखने को। जी, थैंक यू। आपका क्या नाम है? नारायणी मुखर्जी। ये बताइए कि इस पूजा के बारे में कुछ बताइए, यहाँ के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये 110 साल का पूजा है, और साथ में जो माँ की प्रतिमा बनी हुई है वो यहीं बनती है, मतलब मूर्ति यहीं बनती है। और सबसे 110 साल पुराना जो लकड़ी का मंच है जिसके ऊपर माँ प्रतिष्ठित है अभी, हाँ, तो वो ये यहीं पे 110 साल पुराना है। हाँ, पुराना है, और वो आज तक कभी भी वो पानी में हो चाहे धूप में रखा जाए कभी भी विसर्जन नहीं होता है। और अगर बहुत उसकी एक अलग को काटा मूठा कहा जाता है जो जिस पर मूर्ति बनती है। देखिए, अपने रविंद्र पल्ली जो है वहाँ पे मूर्तियाँ बनती ज़रूर है, वहाँ पे वहाँ से सब जगह डाइवर्ट होता है, लेकिन अपने क्लब की जो मूर्ति है यहाँ पे जो काटा मूठा है ये पुराना उतने ही साल का। इसी को जब मूर्ति की विसर्जन, जैसे पहले गोमती में होता था विसर्जन, तो मूर्ति की विसर्जन हो जाती थी, लेकिन नीचे का जो बेस जो जिसको कहते हैं हम लोग काठा मोटा कहते हैं, वो तब का पुराना है, उसको हम लोग काट के यहाँ पे आके स्थापित कर देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मूर्ति बनती तो उसी का जो कारीगर जो आते हैं वो इसी काठा मोटा के ऊपर ही मूर्ति बनाते हैं। जागृत है, बहुत ही जागृत है। और ये पीछे का जो मुकुट है वो भी हर साल, एक इस साल का अगले साल वाला विसर्जित होगा, इस साल वाला रहेगा, ये यहाँ का ट्रेडिशन है। आपका क्या नाम है? सोनाली भट्टाचार्य। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम कलकत्ता के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर बेसिकली रहते हो या फिर कलकत्ता से ये पूजा देखने आए हैं?
हम शादी के बाद 19 साल हो गया यहाँ रेगुलर आते हैं हर साल, बहुत अच्छा लगता है यहाँ जो इन्वॉल्वमेंट होता है बंगाली जो ग्रुप है वो कलकत्ता बंगाली जैसा इन्वॉल्वमेंट अच्छा बहुत अच्छा लगता है। हाँ। जैसे हम लोग के घर की पूजा जैसे होता है ऐसे माहौल है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है ये। अब मेरे साथ मौजूद हैं बंगाली क्लब के अध्यक्ष अरुण बनर्जी, अब मैं इनसे बात करूंगी। सर ये बताइए कि ये आपने कब से शुरुआत की है? ये लखनऊ की सबसे पुरानी पूजा है, 1914 में शुरू हुई, अब ये 2014 है, 110 साल 2024 110 साल इस पूजा के हो गए हैं। लखनऊ की सबसे पहली पूजा यहाँ स्टार्ट हुई थी और ये जो है इसकी प्रतिमा यहीं बनती है, कलकत्ता से कारीगर आके प्रतिमा यहीं बनाते हैं, इसका विसर्जन भी यहीं पे होता है, बंगाली क्लब के प्रांगण में होता है और ये कम्युनिटी का सबसे ओल्डेस्ट एंड कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल पूजा है। एक चाल चित्र में माँ दुर्गा की प्रतिमा बनती है और कलकत्ता से हर साल ढाकी आती है। यहाँ का ट्रेडिशन ये है कि जैसे मूर्ति जो बनाते हैं ये भी थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन के लोग मूर्ति बना रहे हैं, ढाकी जो ढाक बजा रहा है वो भी थर्ड जनरेशन का है, जो टेंट का काम करते हैं वो भी आज सेकंड जनरेशन के लोग हैं, तो यहाँ पे जनरेशन वाइज लोग जुड़े हुए हैं और चूंकि पुरानी पूजा है लोगों की इसके ऊपर आस्था है, लोग यहाँ पे आते हैं दूर दूर से आते हैं, सिर्फ लखनऊ से ही नहीं कलकत्ता से भी लोग यहाँ पे आते हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि इस क्लब में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, इस क्लब में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर आए और ये क्लब 1892 में क्लब बना, तो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे आते हैं इनके ग्रैंडफादर फादर इस क्लब से जुड़े हुए थे, जो बच्चे आज बाहर हैं वो भी आज बुजुर्ग हो गए हैं, आते हैं सुनाते कि मेरे ग्रैंडफादर इस क्लब में इनका ये कंट्रीब्यूशन है, तो 131 साल इस टोटल क्लब के हो गए जिसमें 110 साल ही दुर्गा की पूजा हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिशा है, मैं बंगाली क्लब की असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैम ये बताइए कि जो संधि पूजा होती है उसमें क्या विशेष होता है और क्या कुछ होता है? मैम संधि पूजा एक्चुअली दुर्गा पूजा जो होती है उसमें आप लोग ने ये कहानी तो सुनी होगी कि राम जी जो है वो वध करने गए थे रावण का, राइट? और उससे पहले जो हमारे फोकलोर में बोला जाता है कि राम जी उनसे वध करने से पहले दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया था, और वो समय जब दुर्गा माँ दुर्गा महिषासुर का वध करती हैं उसके पहले उनको जगाया जाता है, फिर वो जाके उनका वध करती है, वो 24 मिनट अष्टमी का और 24 मिनट नवमी के होते हैं, कुल मिला के 48 मिनट जिस पीरियड में कहा जाता है कि हम माँ को जो माँ चंडी को जगाते हैं और वो उनका वध करके उनको हराती हैं। तो जो दुर्गा पूजा जो एक्चुअल होता है वो ये संधि पूजा ही होती है जो जिसमें माँ महिषासुर का वध करती हैं और दुनिया पे हमारे शांति लाती हैं। सर सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। सर ये बताइए कि इस पूजा के बारे में आप क्या कुछ विशेष जानते हैं? देखिए बंगाली क्लब का जो पूजा है ये एक ऐतिहासिक पूजा है, जैसा कि आप देखा है आपने अभी सामने ही दिख रहा है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी और बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने इस बंगाली क्लब के पूजा एक्टिविटीज़ में पास में पार्टिसिपेट भी किया, तो बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और जिस तरह से यहाँ पर पूजा आयोजित किया जाता है एक ओरिजिनलिटी है ऑथेंटिसिटी है, तो जिस क्योंकि इसको जारी रखना बहुत ही ज़रूरी है आज के संदर्भ में, तो जिस तरह से ये पूजा हो रहा है जैसा कि आपने कल भी देखा कि पूरा भीड़ उमड़ पड़ा था, तो जिस तरह से सारे लोग मिलके ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वाकई में इसे इट इज़ रियली कमेंडेबल। क्या नाम है सर आपको? मैं डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी हूँ और इस क्लब का बहुत पुराना लाइफ मेम्बर भी हूँ, और ये जो 132 साल का क्लब है ये 110वीं साल से पूजा यहीं पे इस मंडप पे हो रही है, एक बहुत गर्व का विषय है कि लखनऊ में इतनी पुरानी पूजा जो सबसे सार्वजनिक पूजा है ये बंगाली क्लब की ही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।